हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आए हो आप सभी अच्छे हो गए। आज मैं आपके साथ बहुत ही अच्छा बेस्ट DIY हेयर पैक शेयर करी जो आपके बालों को दुगनी तेजी से बढ़ाएगा, आपके बालों को काफी ज्यादा लंबा, घना, मजबूत, मुलायम बनाएगा, आपके गंजेपन को ये दूर करेगा, आपके बाल बहुत ज्यादा रूखे बेजान हो गए उसे ये सही करेगा, आपके बालों में ये प्रोटीन देगा, आपके बालों को काफी ज्यादा ये खूबसूरत बनाएगा, आपके बाल आपको काफी ज्यादा सॉफ्ट, स्मूथ, सिल्की, शाइनी, वॉल्यूमनाइज लगेंगे, नरिश लगेंगे, आपके बालों को बहुत ही अच्छे से कंडीशनर करेगा, आपका झड़ना रोकेगा, पहले ही दिन से आपको काफी अच्छे बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। साथ ही साथ डैंड्रफ को भी रिमूव करने में काफी ज्यादा हेल्प करता है। आप जो वीडियो में देख रहे हो ये मेरे ही बाल की फोटो है। तो चलिए जानते हैं आपको ये हेयर पैक किस तरह से बनाना है। आप मेरी वीडियो के एंड तक बने रहिए। वीडियो थोड़ी सी भी यूजफुल लगे, पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। सबसे पहले मैंने यहाँ पे 2 एलोवेरा जेल लिए। मैंने यहाँ पे प्लांट से तोड़ के फ्रेश एलोवेरा जेल लिया है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप मार्केट वाला भी यूज कर सकते हो, पर प्लांट से तोड़ के फ्रेश एलोवेरा जेल यूज करो तो काफी ज्यादा अच्छा है। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे करी लीव्स लिया है। मैंने यहाँ पे 25 से 30 करी पत्ते लिए जो हम घर में यूज करते हैं। ये हमारी हेल्थ के साथ साथ हमारे बालों के लिए भी काफी ज्यादा अच्छे होते हैं। करी पत्ता को बहुत ही अच्छे से आपको वॉश करना है, उसके बाद फिर आपको इसे ड्राई कर लेना है। और मैंने एलोवेरा को भी बहुत ही अच्छे से वॉश कर लिया, उसके बाद फिर मैंने इसे पैड ड्राई कर लिया है। आप जानते हो एलोवेरा के बहुत से बेनिफिट्स है। एलोवेरा हमारे लिए काफी ज्यादा अच्छा होता है, हमारे बालों के लिए काफी ज्यादा अच्छा होता है। एलोवेरा हमारे बालों को दोबारा उगाने में काफी ज्यादा हेल्प करता है। साथ ही साथ हमारे बालों में डैंड्रफ की प्रॉब्लम है, खुजली की प्रॉब्लम है, उसे दूर करता है। हमारे बालों की नमी को बरकरार रखता है। हमारे बालों में जो चिपचिपाहट की प्रॉब्लम होती है उसे दूर करता है। गंजेपन को दूर करने में काफी ज्यादा हेल्प करता है। तो यहाँ पे मैंने एलोवेरा के छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं। करी पत्ते में ऐसी जड़ी बूटियां होती है जो हमारे बालों को मजबूत बनाती है। करी पत्ता में भरपूर मात्रा में प्रोटीन होता है, विटामिन्स होते हैं, बीटा कैरोटीन होता है, कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो हमारे बालों को लंबा, घना, मजबूत, मुलायम बनाता है। करी पत्ता में भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट होता है, एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी होती है, प्रोटीन होता है, आयरन होता है जो हमारे बालों को जड़ों से मजबूत करता है, को दुगनी तेजी से बढ़ाने में काफी ज्यादा मदद करता है, बालों को सफेद होने से रोकता है और प्री मैच्योर ग्रेइंग को ये पूरी तरह से ब्लैक करने में काफी ज्यादा हेल्प करता है, डैंड्रफ को रिमूव करता है और हमें डैंड्रफ से भी बचाता है। इसमें एंटी फंगल प्रॉपर्टी होती है जो हमारे बालों के रूखेपन को दूर करता है, बालों का झड़ना रोकता है, बालों में काफी अच्छी शाइन आती है और बालों को काफी ज्यादा ये लंबा, घना, चमकदार, खूबसूरत बनाता है। तो यहाँ पे मैंने एक मिक्सी ली, उसमें मैंने करी पत्ता और एलोवेरा दोनों को मिक्स कर लिया है। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे प्योर कोकोनट ऑयल यूज कर रही हूँ। अपने बालों के लिए जो ऑयल यूज करते हो वो आप ले सकते हो। मैं यहाँ पे प्योर श्योर का ऑर्गेनिक कोकोनट ऑयल ले रही हूँ। मैं यहाँ पे 3 से 4 चम्मच जितना ऑयल यूज कर रही हूँ आप अपने हेयर लेंथ के अकॉर्डिंग ले सकते हो। आप चाहो तो इसमें कैस्टर ऑयल भी यूज कर सकते हो। मैं यहाँ पे सिर्फ कोकोनट ऑयल यूज कर रही हूँ। देख सकते हो मैंने इसमें कोकोनट ऑयल ऐड कर लिया। अब मैं इसे मिक्सी में ब्लेंड कर लूंगी, बहुत ही अच्छा स्मूथ सा पेस्ट बना लूंगी। तो ये पूरी तरह से रेडी हो चुका है। अब हमारा जो मेन इंग्रेडिएंट है वो लेना है। अब मैं यहाँ पे दही ले रही हूँ। मैं यहाँ पे घर की बनी दही ले रही हूँ, जिनकी बहुत ज़्यादा ड्राई स्कैल्प है वो थिक दही ले सकते हैं, जिनकी ऑयली स्कैल्प है वो इसमें लो फैट वाला दही यूज़ कर सकते हैं। जो हमने मिक्सर रेडी किया था वो मैंने इसमें मिक्स कर लिया, बहुत ही अच्छे से दोनों को मिक्स कर लेंगे। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा पतला रखा है, आप चाहो तो थिक दही भी यूज़ कर सकते हो। सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से आपको मिक्स करना है, उसके बाद फिर आपको अपने हेयर पर अप्लाई करना है। कोई ये हेयर पैक अपने क्लीन हेयर में अप्लाई करना है तो आपको 1 घंटे तक लिए आपके बालों में लगा के रखना, उसके बाद फिर आपको शैम्पू कर लेना है। आपको इसे हफ्ते में 1 से 2 बार यूज़ करना है। आपको फर्स्ट एप्लीकेशन में ही काफ़ी अच्छे बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे। ये ऑल हेयर टाइप्स वालों के लिए, हर कोई इसे यूज कर सकता है, मेल फीमेल। आपको 10 से 15 दिन में ही काफी अच्छा बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। आप इसे यूज करो गाइस, आपके बालों की सारी प्रॉब्लम को ये सॉल्व करेगा। एलोवेरा और कड़ी पत्ता का मिक्सचर हमारे बालों में काफी अच्छा वर्क करता है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। वीडियो पसंद है तो लाइक करो, ज्यादा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करो। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप मुझे इंस्टाग्राम एंड टिकटॉक पे भी फॉलो कर सकते हो। थैंक यू।